गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, टुडे दिस इज़ द थर्ड क्लास ऑफ लिविंग बायोलॉजी लिविंग वर्ल्ड एंड वी हैव कम्प्लीटेड व्हाट इज़ लिविंग सिस्टमेटिक्स टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन. ये सब चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देख ली थी. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. सो स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस. ओके, इट इज़ इन्वॉल्व अ हायरार्की ऑफ स्टेप इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और अ कैटेगरी. यहाँ पे मैंने सारी कैटेगरी लिस्ट आउट करके रखी है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर. यहाँ नीचे से हमें स्टार्ट करना है, जैसे स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम. ओके, अगेन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टैक्सोनॉमिकल हायरार्की. ओके, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की दैट मीन्स के इट इज़ अ कैटेगरीज. आज हम लोग को क्या पढ़ना है, व्हाट इज़ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की और व्हाट इज़ कैटेगरीज. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, क्लासिफिकेशन इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस. ओके, इट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप इन विच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और अ कैटेगरी. सिंस द कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ऑल ओवर द टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड अ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी और टैक्सोनॉमिकल हायरार्की. देख रहा है आप लोग को? ओके, गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स. लेट्स स्टार्ट विथ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय अ लिनियस, दैट इज कैरोलस लिनियस इन 1751. ईच कैटेगरी इज कॉल्ड टैक्सॉन, उसका प्लूरल है टैक्सा. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टैक्सॉन? अल्स्टेनियंस, मतलब जो डॉग्स होते हैं ना, बड़े वाले डॉग्स जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करते हैं, उसको अल्स्टेनियंस बोलते हैं. ओके नील, आपका डाउट क्लियर हो गया? और किसी को कोई डाउट है लास्ट लेक्चर का, तो पहले हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये चालू करेंगे. ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विथ टैक्सॉन. व्हाट इज टैक्सॉन? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनेटिकली रिलेटेड इंडिविजुअल हैविंग सर्टेन डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स फ्रॉम अदर ग्रुप. जैसे एक ग्रुप है तो उसमें सिमिलैरिटी ज़्यादा है कंपेयर टू अदर ग्रुप, उसको बोलेंगे टैक्सॉन, उसका प्लूरल है टैक्सा. ओके, सो द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की इज introduced by Linnaeus, that is why it is also known as Linnaeus hierarchy. Okay, so these are the categories, or we can say each category is also known as taxon. This is one taxon, that is species, genus, family, order, class, phylum, division and kingdom. But जो phylum है वो हम लोग plants के लिए use करेंगे, और जो डिवीज़न है वो हम लोग एनिमल्स के लिए यूज़ करेंगे. ओके, सो अगेन स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, फाइलम और डिवीज़न और किंगडम. किंगडम इट इज़ अ हाईएस्ट कैटेगरी और द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन. स्पीसीज इज़ द लोएस्ट लेवल और लोएस्ट कैटेगरी. ओके, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हमें ये ऑर्डर में क्लासीफाई करना है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में उसको रखना है. अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज टैक्सॉन? तो अ ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनेटिकली रिलेटेड, जीनेटिकली रिलेटेड मतलब उनके जीन में सिमिलैरिटीज़ होगी, डीएनए में सिमिलैरिटीज़ होगी. तो जीनेटिकली रिलेटेड इंडिविजुअल हैविंग सर्टेन डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स डिफरेंस हो सकते हैं. ओके, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स फ्रॉम अदर ग्रुप. ओके, तो उसको हम लोग बोलेंगे टैक्सॉन. सो अगेन वी आर स्टडिंग टैक्सोनॉमिकल हायरार्की गिवन बाय लिनियस इन 1751. सो नाउ हम लोग क्या करेंगे, एक वन बाय वन स्पीसीज, व्हाट इज स्पीसीज, उसके कैरेक्टर्स क्या है, ये सब चीज़ें वन बाय वन स्टार्ट करेंगे. ओके, यहाँ तक सब लोग को समझ में आया? सो नेक्स्ट दैट इज स्पीसीज. ओके, नेक्स्ट दैट इज species. Again, species, a group of individual resembling one another in all morphological and reproductive feature.
ओके, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रिजेंबलिंग वन अनदर इन ऑल मॉर्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स. मॉर्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स, स्पीसीज जो है वो ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी मॉर्फोलॉजी सेम होंगी. व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी? कल मैंने बताया था, व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी? कैन यू डिफाइन मॉर्फोलॉजी? व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल कैरेक्टर्स. ओके, मॉर्फोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? एक्सटर्नल कैरेक्टर्स एंड द रिप्रोडक्टिव फीचर्स. रिप्रोडक्टिव फीचर मतलब कि सेक्स ऑर्गन कैसे है, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं. ओके, रिप्रोडक्शन होने के बाद जो जाइगोट है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ये जो पूरी चीज़ें हैं दैट इज़ रिप्रोडक्टिव फीचर्स. ओके, हाँ यस, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स. सो स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसके सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम हैं एज वेल एज उसके रिप्रोडक्टिव फीचर्स सेम हैं. ओके, सो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, तुम लोग को इसका डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा. रिप्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल रिजेंबलिंग वन अनदर इन ऑल मॉर्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव फीचर, उसको हम लोग स्पीसीज बोल सकते हैं. द मेन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज इंटरब्रिड फ्रीली टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग. इंटरब्रिड मतलब रिप्रोडक्शन. इंटरब्रिडिंग का मीनिंग क्या होता है? ब्रीडिंग मतलब रिप्रोडक्शन. ओके, तो वो लोग रिप्रोडक्शन कर सकते हैं लेकिन सेम स्पीसीज में, जैसे कि मोंजीफेरा इंडिका. इट इज़ अ साइंटिफिक नेम. मोंजीफेरा इंडिका इट इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो. ओके, मोंजीफेरा इंडिका इट इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो. तो इंडिका ये जो है ये उसका स्पीसीज है. समझ में आ रहा है? इंडिका इज अ स्पीसीज. तो मोंजीफेरा इंडिका, इंडिका स्पीसीज वाले सारे ऑर्गेनिज्म, डेफिनेशन आप लिखवा रहे हो वो लर्न करनी है या बुक की? बुक की लर्न करोगे तो भी चलेगा. ये बुक में ऐसा ही दिया हुआ है लेकिन तुम लोग को बुक में दो तीन सेंटेंस एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ये सिर्फ तुम लोग को कॉन्सेप्ट के लिए काम आएगा. और अगर बुक की याद रखनी है तो तुम लोग बुक की भी याद रख सकते हो, ये वाली याद रखनी है तो तुम लोग ये वाली भी याद रख सकते हो. ओके, चलो, व्हाट इज़ इंटरब्रीडिंग? सिमिलर स्पीसीज के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है उसको इंटरब्रीडिंग बोलते हैं. ओके, इंटरब्रीडिंग फ्रीली टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मतलब मोंजीफेरा इंडिका, इंडिका इट इज़ अ स्पीसीज. तो इंडिका स्पीसीज में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो लोग इंटरब्रिड कर सकते हैं, मतलब इंटरनल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. समझ में आया? सो सोलेनम ट्यूबेरोसम इट इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ पोटेटो. ओके, इट इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ पोटेटो. देन पैंथेरा लियो इट इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ लायन. समझ में आ रहा है? पैंथेरा लियो, मोंजीफेरा इंडिका एंड सोलेनम ट्यूबेरोसम, ये तीन एग्जांपल हमने लिए हैं. इंडिका, लियो एंड ट्यूबेरोसम, दे आर द स्पीसीज. ओके, व्हाट इज स्पीसीज? द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिजेंबलिंग वन अनदर इन ऑल मॉर्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव फीचर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्पीसीज इज दे आर द लोवेस्ट कैटेगरी. एक ये चीज़ याद रखनी है, स्पीसीज इज द लोवेस्ट टेक्सोन और इट इज़ अ लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन. स्पीसीज में सिमिलारिटी ज़्यादा होगी. ओके, जो स्पीसीज है उसमें जितने भी इंडिविजुअल है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें सिमिलारिटीज़ ज़्यादा होगी. सिमिलारिटीज़ बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, उनकी मॉर्फोलॉजी सेम होगी, उनके रिप्रोडक्टिव फीचर्स सेम होंगे और वो लोग ईजीली इंटरब्रिड कर सकते हैं. इंटरब्रिड फ्रीली टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग. ओके, समझ में आया स्पीसीज? तो स्पीसीज इज़ द लोवेस्ट कैटेगरी. अब सुनो, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ है. ओके, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ है. तो स्पीसीज़ में भी कुछ अलग अलग स्पीसीज़, जैसे कि स्पीसीज़ ए है और स्पीसीज़ बी है, तो दोनों में भी सिमिलैरिटीज़ हो सकती है. समझ में आ रहा है? सो अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैव मोर कैरेक्टर इन कॉमन. ओके, आई कैन चेंज माई पेन. चलो,
जीनस. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट जीनस, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज. सपोज स्पीसीज ए है, स्पीसीज बी है, तो दोनों में भी सिमिलैरिटी हो सकती है. तो जितनी सिमिलैरिटी ज़्यादा है उसको हम लोग एक ग्रुप में रख सकते हैं. ओके, सो स्पीसीज के ऊपर का लेवल, स्पीसीज इज द लोएस्ट, उसके अगर ऊपर हम लोग रख सकते हैं उसको जीनस के अंदर. सो अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैव मोर कैरेक्टर इन कॉमन इज नोन एज जीनस. समझ में आया? जैसे कि देखो, ये है पेंथेरा टाइगरिस, दैट इज साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर. देन पेंथेरा लियो, दैट इज साइंटिफिक नेम ऑफ लायन. ये तो देख लिया हमने. तो लायन एंड टाइगर हैव मोस्ट ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स, तो उसको हमने एक जीनस में रखा है, दैट इज पेंथेरा. समझ में आया? सेम थिंग पेंथेरा पार्डस, इट इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ लेपर्ड. तो लेपर्ड, लायन एंड टाइगर हैव सम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज. ओके, तो उसको हम लोग एक जीनस के अंदर रख सकते हैं, दैट इज पेंथेरा. समझ में आया? सो जीनस, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैव मोर कैरेक्टर इन कॉमन. सो टाइगरीज, लियो, पार्डस, ये सारी उसकी स्पीसीज है, लेकिन उसका जीनस सेम है, दैट इज पेंथेरा. नाउ वन थिंग, रिप्रोडक्शन ऑलवेज, मैम कैन यू अगेन एक्सप्लेन मोंजीफेरा इंडिका? यस, जस्ट अ वेट. पेंथेरा टाइगरीज एंड पेंथेरा लियो, दोनों का जीनस सेम है, लेकिन उसका जो स्पीसीज है वो डिफरेंट है. सो टाइगर और लायन के बीच में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, दैट इज द पॉइंट. इंटरब्रीडिंग फ्रीली टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, सेम थिंग. मोंजीफेरा इंडिका जो है वो सिर्फ इंडिका स्पीसीज में ही इंटरब्रीड और रिप्रोडक्शन कर सकता है. ओके, रिप्रोडक्शन और इंटरब्रीडिंग टेक प्लेस विथ इन अ स्पीसीज, नॉट विथ इन अ जीनस. ओके, सो पेंथेरा टाइगरीज एंड पेंथेरा लियो, टाइगर और लायन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता. सो इंटरब्रीडिंग कैन नॉट पॉसिबल इन विद इन अ जीनस. समझ में आया? वापस रिपीट करती हूँ, सुनो. इंटरब्रीडिंग फ्रीली टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए इंटरब्रीडिंग, दैट इज के रिप्रोडक्शन. अगेन आई एम राइटिंग रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन टेक प्लेस विथ इन अ स्पीसीज. मोंजीफेरा इंडिका, इंडिका इज अ स्पीसीज, मोंजीफेरा इज अ जीनस. तो इंडिका स्पीसीज में जितने भी ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हो गए उनके बीच में रिप्रोडक्शन हो सकता है. सिमिलरली पेंथेरा टाइगरिस, पेंथेरा लियो, पेंथेरा पार्डस. टाइगरिस, लियो, पार्डस, इट इज अ स्पीसीज. पेंथेरा इट इज अ जीनस, कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता. टाइगरिस एंड लियो, टाइगरिस एंड लियो, दैट इज पेंथेरा टाइगरिस एंड पेंथेरा लियो के बीच में कभी भी रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है. इंटरब्रीडिंग ओनली टेक प्लेस बिटवीन पेंथेरा टाइगरीज एंड पेंथेरा टाइगरीज, दैट इज टाइगर टाइगर के बीच में रिप्रोडक्शन हो सकता है. सो लोवेस्ट कैटेगरीज स्पीसीज, सिमिलैरिटीज बिटवीन स्पीसीज, तो उससे बनेगा जीनस. ओके, ना सिमिलैरिटीज बिटवीन जीनस, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे सिमिलैरिटीज जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. जैसे स्पीसीज में सिमिलैरिटीज ज़्यादा है, दो स्पीसीज हमने बना दी, ए में सिमिलैरिटी ज़्यादा है, बी में सिमिलैरिटी ज़्यादा है, लेकिन ए और बी में भी कॉमन कैरेक्टर्स है, तो अब बनेगा जीनस. नाउ वी हैव डिफरेंट डिफरेंट जीनस, जीनस जीनस के बीच में भी कॉमन कैरेक्टर है तो बनेगी फैमिली, फैमिली फैमिली में भी अगर कॉमन कैरेक्टर्स है तो फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे फैमिली के बाद, दैट इज़ क्लास. ऐसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट, ये वाला तुम लोग एक बार वापस देख लो. जैसे ये है स्पीसीज, ओके, स्पीसीज डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज, उसमें कॉमन कैरेक्टर तो जीनस, जीनस उसके बीच में कॉमन कैरेक्टर्स तो फैमिली, फैमिली उसके बीच में कॉमन कैरेक्टर्स तो वो बनेगा ऑर्डर, ऑर्डर उसके बीच में कॉमन कैरेक्टर्स तो वो क्लास, देन फाइलम, डिवीजन एंड किंगडम. फाइलम, वी आर यूजिंग फाइलम वर्ड फॉर प्लांट्स ओनली. इन केस ऑफ एनिमल वी आर यूजिंग डिवीजन. समझ में आया? ओके, अगेन हमने क्या पढ़ा अभी, स्पीसीज एंड जीनस. नाउ नेक्स्ट इज फैमिली. सो द डेफिनेशन ऑफ फैमिली इज, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विथ लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग डेफिनेशन, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विथ लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज.
जीनस एंड स्पीसीज में जितनी सिमिलैरिटी है उतनी सिमिलैरिटी फैमिली में नहीं होगी. ओके, सो कॉमन कैरेक्टर्स बिटवीन जीनस, उससे जो लार्ज ग्रुप क्रिएट होगा दैट इज फैमिली. समझ में आया? ओके, ऑल जेनेरा इंक्लूडेड इन फैमिली हैव कॉमन और को रिलेटेड फीचर्स. ओके, ऑल जेनेरा इंक्लूडेड इन फैमिली हैव कॉमन और को रिलेटेड फीचर. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, जैसे कि हाँ, इन केस ऑफ प्लांट फैमिली अगर हमें लिखनी है, इन केस ऑफ प्लांट वी आर यूजिंग सफिस CEAE. ओके, और सब फैमिली के लिए ODAE. एनिमल है तो एनिमल के लिए हम लोग सफिक्स यूज़ करेंगे IDAE, और सब फैमिली के लिए सफिक्स हम लोग यूज़ करेंगे INAE. क्रिश्चियन ये आप लोग को अभी नहीं लिखना है, मैं इसका फ़ोटो आपको ग्रुप में भेज दूंगी तब आप लिख सकते हो उसमें से. ओके, कल मैंने फ़ोटोज़ भेजे थे, जो बायो का ग्रुप बनाया हुआ है स्टूडेंट्स ने, उसके अंदर मैंने फ़ोटोज़ भेजे थे. अगर आप उसमें ऐड नहीं हैं तो आप अपना नंबर अपने किसी फ्रेंड को दे दो, आपको उसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे. ओके, सो एग्जांपल, जैसे कि पोटैटो एंड टोमेटो हैव सिमिलर फैमिली दैट इज सोलेनेसी. आपको सफिक्स दिख रहा है, दिस इज अ सफिक्स CEAE. ओके, तो पोटैटो एंड टोमेटो हैव सम सिमिलैरिटीज. वैसे दिखते दोनों अलग है लेकिन उनके जीन में सम सिमिलैरिटीज इन देयर जीन्स, उनके DNA में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगी, इसलिए उन लोग को एक फैमिली में रखा है दैट इज़ सोलेनेसी CEAE. ओके, देन हर्ब्स एंड शर्ब्स. ओके, तो उनके लिए फैमिली है पोलीमोनिएसी, अगेन द सफिक्स CEAE. ओके, देन स्वीट पोटैटो हैव फैमिली कॉन्वोलुकेसी. ओके, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो बोथ हैव डिफरेंट फैमिली दैट इज सोलेनेसी एंड अ कॉन्वोलुकेसी. लिसन, पोटैटो जो है, पोटैटो इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, वेर एज स्वीट पोटैटो इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, दैट इज़ वाई बोथ द पोटैटोज आर डिफरेंट. समझ में आया? तो दे हैव डिफरेंट फैमिली. देन एनिमल का एग्जाम्पल ले तो डॉग वुल्फ फॉक्स हैव अ फैमिली दैट इज कैनिडी. ओके, सफिक्स वाला आई विल रिपीट. कैट लेपर्ड टाइगर लायन, ये सब जो है उसकी जो फैमिली है दैट इज फैलिडी. कैट लेपर्ड लायन एंड टाइगर, उन सारे सबकी फैमिली क्या है, सेम है, दैट इज फैलिडी. और ह्यूमंस जो है, ह्यूमंस की फैमिली है होमिडी. अगेन आई एम रिपीट, व्हाट इज सफिक्स, तो फैमिली को अगर हमें लिखना है तो उसके जो बेसिक नेम होगा उसके पीछे हम लोग को सफिक्स लगाना पड़ेगा. ये जो सफिक्स है इन केस ऑफ प्लांट, ये जो सफिक्स है वो है CEAE. और उसकी अगर सब फैमिली है, फैमिली तो है ही, लेकिन उसके अलावा उसका अगर फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ तो उसको बोलेंगे हम लोग सब फैमिली. तो सब फैमिली में उसका सफिक्स लगेगा ODAE. सब फैमिली के एग्जांपल्स तुम लोग को याद नहीं रखने हैं, जितने एग्जांपल्स टेक्स्ट बुक में दिए हैं वो तुम लोग को रिमेंबर करने पड़ेंगे. एनिमल्स जो है, इन केस ऑफ एनिमल वी आर यूजिंग द सफिक्स IDAE. जैसे कि ये देखो, एनिमल्स डॉग वुल्फ फॉक्स, ये जो है उसकी फैमिली है कैनिडी. फिर कैट लेपर्ड टाइगर लायन, उसकी जो फैमिली है दैट इज़ फैलिडी. समझ में आया? अब सफिक्स वाला कुछ नहीं, जो बेसिक नाम होगा उसके पीछे तुम लोग को सफिक्स लगाना है. जैसे कि अगर मैं तुम लोग को ये नहीं दिखाऊं तो भी तुम लोग ऐसे देख सकते हो कि सोलेनेसी है, पोलीमोनिएसी है, कैनिडी है, फैलिडी है, दैट मीन्स दे आर इंडिकेटिंग अ फैमिली नेम. ओके, जैसे तुम लोग को बहुत सारे अलग अलग नाम जो तुम लोगों ने कभी सुने ही ना हो, ऐसे नाम तुम लोग को दे दिए और तुम लोग को पूछा कि इसमें से फैमिली कौन सी है, तो सफिक्स देख लो, सी है, ओडी है, ईडी है, इनी है, तो ये जो फैमिली है, सॉरी, ये जो सफिक्स है उसके ऊपर से तुम लोग रिकग्नाइज कर सकते हो कि हाँ, इतने सारे डिफरेंट नाम में से इसके पीछे सफिक्स ये लगा है, दैट मीन्स कि ये फैमिली इंडिकेशन करता है. समझ में आया सफिक्स वाला? किसी को डाउट है यहाँ तक? अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज फैमिली. लिसन, पहले हमने क्या पढ़ा, जीनस. व्हाट इज जीनस? सो
जीनस इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिजेंबलिंग वन अनदर इन अ मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स. दैट मीन्स कि उसके अंदर सिमिलरिटी ज़्यादा होगी. डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज जो हमने बनाई हैं उसके जो कॉमन कैरेक्टर्स है उससे एक और बड़ा ग्रुप बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे जीनस. डिफरेंट डिफरेंट जीनस है उसमें से जो कॉमन कैरेक्टर है उससे जो बनेगा दैट इज़ हम लोग उसको बोलेंगे फैमिली. फैमिली उसका अगर डेफिनेशन एक बार देखना हो तो फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विथ लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी एज कम्पेयर टू जीनस एंड अ स्पीसीज. ओके, पता कैसे चलेगा कि फैमिली है या सब फैमिली है? मैंने बताया कि अगर फैमिली या सब फैमिली पता करना हो तो ये नोट डाउन कर लो. अगर फैमिली है तो ऑलवेज सी ई ए ई होगा, सब फैमिली है तो ऑलवेज ओ डी ई ए ई होगा, एनिमल है तो आई डी ए ई, और सब फैमिली है, सब फैमिली ऑफ एनिमल, दिस इज़ बोथ फॉर एनिमल एंड दिस इज़ बोथ फॉर प्लांट. ओके, पता कैसे चलेगा कि फैमिली है या सब फैमिली है? ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको. ओके, सी ई ए ई है तो ये प्लांट की फैमिली है, और ओ डी ई ए ई है तो वो सब फैमिली है. एनिमल के केस में आई डी ए ई है तो एनिमल, और सब फैमिली आई एन ए ई. समझ में आया? ओके, पोटैटो एंड टोमेटो हैव कॉमन फीचर्स, दैट इज़ व्हाई दे आर इंक्लूडेड इन सोलेनेसी फैमिली. हर्ब्स एंड श्रब्स हैव कॉमन कैरेक्टर्स तो दे आर इंक्लूडेड इन पॉलीमोनियसी. स्वीट पोटैटो हैव फैमिली कॉन्वोलुकेसी. डॉग, वुल्फ, फॉक्स हैव कैनिडी फैमिली. कैट, लेपर्ड, टाइगर, लायन, दे हैव फैलिडी फैमिली. ह्यूमंस हैव होमिडी फैमिली. ह्यूमंस है, मंकीज है, वो सारे एक फैमिली में आते हैं, दैट इज़ होमिडी फैमिली. ओके, समझ में आया? चलो, नेक्स्ट कैटेगरी इज़ ऑर्डर. ऑर्डर में हम लोग को सफिक्स लिखना है एल्स, ए एल ई एस, एल्स इन केस ऑफ प्लांट, और आर ए और टी ए इन केस ऑफ एनिमल. जैसे कि उसका डेफिनेशन है, देखो ये एग्जांपल देखना है तो देख लो. प्राइमेटा, मंकी एंड ह्यूमन हैव अ कॉमन ऑर्डर जो है प्राइमेटा. फिर है कार्निवोरा, कार्निवोरा आर ए, सो डॉग, वुल्फ एंड फॉक्स, ये तीनों जो है, डॉग, वुल्फ एंड फॉक्स, ये तीनों जो है उसका ऑर्डर सेम है, दैट इज़ कार्निवोरा. सो व्हाट इज़ ऑर्डर? उसका डेफिनेशन दिया है अ ग्रुप ऑफ वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज पजेस सम सिमिलर को रिलेटेड कैरेक्टर्स. दैट मीन्स के पहले हमने क्या किया, बहुत सारी स्पीसीज बना दी. स्पीसीज में से कॉमन कैरेक्टर लेके एक बड़ा ग्रुप बनाया जिसको हम लोग बोलेंगे जीनस. बहुत सारी जीनस में से कॉमन कैरेक्टर लेके और एक बड़ा ग्रुप बनाया जिसको हम लोग बोलेंगे फैमिली. फैमिलीज वी हैव डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज, लेकिन वो फैमिलीज में भी जो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड है उसमें सिमिलरिटीज़ हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट फैमिली के बीच में भी. तो हम अब उसको कंसिडर करेंगे ऑर्डर. समझ में आया? सो द ग्रुप ऑफ वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज पजेस सम सिमिलर को रिलेटेड कैरेक्टर्स. ओके, दो ऑर्डर के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, दैट इज़ प्राइमेटा एंड कार्निवोरा. प्राइमेटा इज़ फैमिली ऑफ ह्यूमन, सॉरी फैमिली नहीं, ऑर्डर ऑफ ह्यूमन, एंड कार्निवोरा दैट इज़ कार्निवोर्स. ओके, जो वुल्फ है, फॉक्स है, सो कार्निवोरा, ये जो है डॉग, वुल्फ, फॉक्स, ये सब कार्निवोरा में आएंगे. जितने एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में दिए हैं यू हैव टू रिमेंबर इट दैट. ओके, चलो नेक्स्ट ऑर्डर है, सॉरी नेक्स्ट कैटेगरी है अपनी, वो है क्लास. तो क्लास में जो सफिक्स यूज होता है दैट इज़ ऑप्सिडा और आई डी ए ई, ई डी और एन ए ई, नी. ओके, इट इज़ अ मेजर कैटेगरी विच इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स. दैट मीन्स के अब अगर ऑर्डर के बीच में सिमिलरिटीज़ है तो उसमें से एक लार्ज ग्रुप बनेगा, दैट इज़ क्लास. समझ में आया? सो क्लास मेमेलिया एंड क्लास इंसेक्टा. सो यहाँ पे एक चीज़, तुम लोगों ने नाइन्थ स्टैंडर्ड में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ा था. ओके, उसमें तुम लोगों ने पढ़ा था आर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, याद है ये सब चीज़ें? आर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट, ये सब चीज़ें पढ़ी थी. ओके, तो इसमें एक कॉर्डेटा, ओके, कॉर्डेटा हैव डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस. जैसे कि पहले हमने पढ़ा था एम्फीबिया और एम्फीबियंस. ओके, उसके बाद एव्स, उसके बाद रेप्टाइल, और लास्टली
मैमल्स। ओके, तो ये जो है कॉर्डेटा इज अ ऑर्डर। एम्फीबिया, एव्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स आर द क्लासेस। समझ में आया? एम्फीबिया, एव्स, रेप्टाइल, ये जो है वो क्या है? क्लासेस है। समझ में आया? वापस एक बार रिपीट करते हैं। व्हाट इज स्पीसीज? तो जिसके बीच में सिमिलैरिटी बहुत बहुत ज़्यादा है उसको हम लोग बोलेंगे, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे स्पीसीज। स्पीसीज में सिमिलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि वो लोग रिप्रोडक्शन इन बिटवीन स्पीसीज, दैट इज़ के इंटरब्रीडिंग पॉसिबल है, इतनी सिमिलैरिटी उसमें ज़्यादा होगी। जैसे होमोसेपियंस, होमोसेपियंस इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, तो सेपियंस इज अ स्पीसीज। होमोसेपियंस इंटरब्रीडिंग ह्यूमन्स के बीच में पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? जैसे पेंथेरा टाइगरिस एंड पेंथेरा लियो, ओके, पेंथेरा टाइगरिस एंड पेंथेरा लियो बोथ आर डिफरेंट डिफरेंट एनिमल, दैट इज पेंथेरा टाइगरिस इज अ टाइगर एंड पेंथेरा लियो इज अ लायन। तो पेंथेरा जीनस है, लायन और टाइगर के बीच में सिमिलैरिटी है, इसके लिए हमने उसको सेम जीनस में रखा है पेंथेरा, लेकिन दोनों की स्पीसीज अलग है। तो टाइगरिस टाइगरिस स्पीसीज के बीच में रिप्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन पेंथेरा लियो और पेंथेरा टाइगर के बीच में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, नेचुरली वो रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। ओके, समझ में आया? चलो, तो हमने क्या डिस्कस किया? सबसे पहले स्पीसीज, फिर जीनस, जीनस के बीच में अगर सिमिलैरिटीज है तो वो फिर क्या बनेगा? फैमिली। अब एक लार्ज ग्रुप बन गया, अब वी हैव डिफरेंट डिफरेंट फैमिली, तो डिफरेंट डिफरेंट फैमिली के बीच में जैसे सोलेनेसी है तो उसके अंदर पोटैटो, टोमेटो, हर्ब्स एंड श्रब्स, ये सारी एक फैमिली हो गई। अब फैमिली के बीच में अगर सिमिलैरिटीज़ है तो हम क्या बनाएंगे? उसका ऑर्डर बनाएंगे। ऑर्डर का जो सफिक्स है वो है एल्स, और फॉर एनिमल रा एंड टा, दैट इज प्राइमेटा एंड कार्निवोरा। ओके, फिर क्लास है, तो एक ऑर्डर है, ऑर्डर के बीच में अगर बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है तो वो क्या बनेगा? क्लास बनेगा, दैट इज़ एम्फीबिया, एव्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, एंड फाइनली द फाइलम और द डिवीजन। ओके, अब सुनो, फाइलम यूज फॉर प्लांट्स एंड एनिमल यूज फॉर एनिमल वी आर यूजिंग डिवीजन। ओके, सो इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन क्लासेस हैविंग सम सिमिलर correlated characters, okay? Phylum and division have similar correlated characters. Correlated मतलब एक दूसरे के साथ हम लोग relate कर सकते हैं। जैसे एक simple example दूँ, जो एव्स होते हैं, एव्स मतलब birds, okay? They have two upper wing, okay? उनके पास wings होती है, that is upper limb उसको बोलेंगे, और legs भी होते हैं। Same thing, mammals have two limbs, upper limbs and the lower limbs. एव्स जो है वो अपने अपर लिम्स का यूज़ फ्लाइंग के लिए करते हैं, दैट इज़ उड़ने के लिए करते हैं, और हमारे अंदर जो अपर लिम्स जो है वो हैंड में कन्वर्ट हो गए हैं फॉर ग्रिपिंग। समझ में आ रहा है? फॉर ग्रिपिंग। तो एव्स और मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, वी ऑल हैव फोर, मतलब फोर लिम्स, और वी कैन से टू पेयर्स ऑफ लिम्स। ओके, एम्फीबिया हैज़ टू पेयर्स ऑफ लिम्ब, रेप्टाइल्स हैज़ टू पेयर्स ऑफ लिम्स, एव्स एंड मैमल हैज़, तो सबका अलग अलग यूज़ है, तो इन सबको हम लोग एक फाइलम में रख सकते हैं, दैट इज़ कॉर्डेटा। ओके, फाइलम यूज़ फॉर प्लांट, तो अगर प्लांट की बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे? फाइलम। और अगर इसकी बात कर रहे हैं, एनिमल की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? डिवीजन। तो ये इसको हम लोग बोलेंगे डिवीजन। ओके, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। समझ में आया? ओके, सो इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन क्लास हैविंग सम सिमिलर कोरिलेटेड कैरेक्टर्स। उनके बीच में कोरिलेटेड कैरेक्टर्स मतलब कुछ कैरेक्टर्स जो है वो सेम है और रिलेटेड है। ओके, सो फाइलम एंड द डिवीजन। नाउ द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमी, दैट इज किंगडम। व्हाट इज द लोएस्ट कैटेगरी? स्पीसीज। और व्हाट इज द हाईएस्ट कैटेगरी? दैट इज किंगडम। किंगडम का डेफिनेशन देखो, अ ग्रुप ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म विच शेयर अ सेट ऑफ डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर। ओके, अ ग्रुप ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म विच शेयर अ सेट ऑफ डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर। जैसे कि देयर आर टू किंगडम, एनिमेलिया एंड प्लांटे।
जो सेकेंड चैप्टर है दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हम लोग उसमें देखेंगे कि पहले देर आर टू किंगडम, फिर उसमें से थ्री किंगडम बने, उसमें से फोर किंगडम बने और फाइनली फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन सिस्टम है. ओके, वो सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे. अभी के लिए किंगडम इज़ द लार्जेस्ट कैटेगरी और हाइएस्ट कैटेगरी विच हैज़ मोर डाइवर्सिटी. उसके अंदर सिमिलरिटी कम होगी. जैसे एनिमल है तो एनिमल में इंसेक्ट भी आ सकते हैं, रेप्टाइल्स भी आ सकते हैं, एव्स बर्ड्स भी आ सकते हैं. ये सारे हम लोग उसको किसके अंदर कंसिडर करेंगे, इन द किंगडम एनिमेलिया. इन केस ऑफ प्लांट जैसे आल्गे है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स है, ये सारे किस में आएंगे, प्लांटे में. सो द किंगडम एनिमेलिया एंड प्लांटे. ओके, किंगडम एनिमेलिया एंड प्लांटे दे हैव डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड शेयर अ सेट ऑफ डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर. समझ में आ रहा है? सो द किंगडम इज द हाइएस्ट कैटेगरी इन टैक्सोनॉमी. सो अगेन हम लोग वापस वो हरार के, अगर ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया, अब हमें क्या करना है, इसको हरार के मतलब कि ऑर्डर वाइज हम लोग को सेट करना है. सो लोएस्ट ऑर्डर कौन सा होगा, स्पीसीज. ओके, स्पीसीज से क्या बनेगा, जीनस. स्पीसीज के कॉमन कैरेक्टर से क्या बनेगा, जीनस. जीनस के कॉमन कैरेक्टर से फैमिली, फैमिली के कॉमन कैरेक्टर से ऑर्डर, ऑर्डर के कॉमन कैरेक्टर से क्लास और क्लास के कॉमन कैरेक्टर से फाइलम और डिवीजन, एंड फाइलम और डिवीजन में सिमिलैरिटी है तो वो क्या बनेगा, किंगडम. जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, किंगडम एनिमेलिया. ओके, डिवीजन कॉर्डेटा, क्लास मैमल, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमिडी, जीनस होमो एंड स्पीसीज सेपियंस. ये पूरा क्लासिफिकेशन हो गया किसका, ह्यूमन का. एक बार वापस समझाती हूँ, देखो किंगडम ये जो है वो सपोज हम ले रहे हैं एनिमेलिया. ओके, फाइलम और डिवीजन, तो एनिमल है इसके लिए डिवीजन हम लोग लेंगे कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमिडी, जीनस होमो एंड स्पीसीज सेपियंस. सो ये जो पूरा क्लासिफिकेशन है, इट इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन. समझ में आया, समझ में आया? अंडरस्टैंड व्हाट वी आर स्टडिंग, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की. ओके, सो एनिमेलिया, कॉर्डेटा, मैमेलिया, प्राइमेटा, होमिडी, होमो एंड सेपियंस. ओके, इसको यही ऑर्डर में याद रखना है तुम लोग को, KPCOFGS. ओके, KPCOFGS अगेन, KPCOFGS यही ऑर्डर में तुम लोग को याद रखना है. समझ में आया? ओके, नाउ वन थिंग, अब मुझे बताओ कि फ्रॉम, सपोज ये है किंगडम. ओके, और ये है स्पीसीज. स्पीसीज टू किंगडम, स्पीसीज टू किंगडम, जो सिमिलैरिटीज़ है वो डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? ओके, स्पीसीज और किंगडम, स्पीसीज से अगर किंगडम की ओर जाएंगे तो सिमिलैरिटीज़ जो है वो डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. ओके, हियर, वेरी गुड. सिमिलैरिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी. और ये साइड जाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगी. समझ में आ रहा है? ओके, फिर एक और ऑब्जेक्टिव है, दैट इज के सिमिलैरिटीज हो गई, स्पेसिफिसिटी. स्पेसिफिसिटी क्या होगी, स्पीसीज से किंगडम की ओर जाएंगे तो स्पेसिफिसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? स्पीसीज टू किंगडम, अगेन जो स्पेसिफिसिटी है वो क्या होगी, स्पेसिफिसिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी?
नहीं, ये आंसर रॉन्ग है. इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी. कैसे? सुनो, यहाँ पे स्पीसीज है सेपियंस. इट इज़ अ सेपियंस जो है होमोसेपियंस. अगर एग्जांपल ले रहे हैं स्पेसिफिसिटी मतलब कि स्पेसिफिक कैरेक्टर्स. ओके, स्पेसिफिसिटी मतलब स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जो है वो स्पीसीज में स्पेसिफिसिटी हमें ज़्यादा फाउंड होगी. स्पेसिफिक कैरेक्टर हम लोग क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. किंगडम तक जाओगे तो उसके उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है. समझ में आ रहा है? तो स्पेसिफिसिटी का मीनिंग क्या होगा? स्पेसिफिक कैरेक्टर और स्पेसिफिक एपिथेट जो उसके फीचर्स है, स्पेशल फीचर्स है. यहाँ तक जाओगे तो डाइवर्सिटी. हाँ, एक और चीज़ देखो, स्पेसिफिसिटी एंड डाइवर्सिटी बोथ आर अपोजिट. ओके, डाइवर्सिटी जो है वो स्पीसीज टू किंगडम तक जाओगे तो डाइवर्सिटी जो है वो इंक्रीज होगी. ओके, बट जो स्पेसिफिसिटी है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी. सिमिलरिटीज़ भी जो है वो क्या होगी? डिक्रीज़ होगी. ये तो ऐसे ऐसे ही मैंने समझाने के लिए बोला है क्योंकि इस पे से तुम लोग को नीट में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है. तुम लोग सोचो कि एक स्पीसीज़ है उसमें सिमिलरिटी ज़्यादा है. ओके, स्पीसीज़ जो है वो स्पेसिफिक है. होमोसेपियंस इज़ अ सेपियंस. सेपियंस 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 मिला के जो बनेगा दैट इज़ स्पीसीज़. ओके, उस पे से ऊपर जाओगे तो होमो, होमो में कुछ भी आ सकता है. होमो इरेक्टस, जो इवोल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी. देर आर डिफरेंट डिफरेंट सीरीज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन. ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट सीरीज में इवोल्यूशन हुआ है तो सबकी जीनस सेम है लेकिन उसकी स्पीसीज जो है वो होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, बोथ आर ह्यूमन ओनली. लेकिन होमो इरेक्टस के अंदर उसके कैरेक्टर्स डिफरेंट थे. उसकी क्रेनियल कैपेसिटी, उसके सोचने की थिंकिंग पावर जो है वो कम था. अभी के जो ह्यूमन है उसका थिंकिंग पावर ज़्यादा है. समझ में आ रहा है? तो स्पेसिफिसिटी विल डिक्रीज इफ वी आर गोइंग फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम. सिमिलरिटी इज ऑल्सो डिक्रीज एंड डाइवर्सिटी इज इंक्रीज. ये इंपॉर्टेंट है. स्पीसीज से किंगडम की और जाओगे तो कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज होगी. कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज होगी और डाइवर्सिटी भी इंक्रीज होगी. समझ में आया? कोई डाउट है? अगेन, स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव देयर स्पेशल कैरेक्टर्स. उसकी जो स्पेशलिटी है, जो स्पेशल कैरेक्टर्स है वो मैच करते हैं. ओके, उससे क्या बना? जीनस बना. तो जीनस में भी उसके स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे लेकिन कम होंगे, सिमिलरिटीज़ कम होंगी. जीनस से ऊपर जाओगे तो वो आएगा फैमिली. फैमिली में भी सिमिलरिटी कम होगी. ऐसे ऐसे यहाँ से इधर जाते जाते सिमिलरिटीज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी. समझ में आ रहा है? सेम थिंग, स्पेसिफिसिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी. यहाँ से ऊपर जाओगे तो डाइवर्सिटी बढ़ेगी. ये ग्रुप जो है वो छोटा है, ये ग्रुप जो है वो बड़ा है. एनिमल इज़ अ एनिमेलिया. इट इज़ अ किंगडम जिसमें सारे एनिमल्स आ जाते हैं. सेपियंस जिसमें सिर्फ ह्यूमंस आएंगे. समझ में आ रहा है? तो यहाँ से ऊपर जाते जाते कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज होगी एज वेल एज डाइवर्सिटी जो है वो भी इंक्रीज होगी. समझ में आया? एनी डाउट? डाउट हो तो पूछ लो एक बार. कोई डाउट है? कुछ रिपीट करना है? शैल वी मूव फर्दर? आई एम वेटिंग. हम लोग आगे चले. समझ में आया? ये कुछ बाकी है, कुछ नहीं समझ में आया हो, कुछ चीज़ वापस रिपीट करनी है टैक्सोनॉमिकल और हायरार्की में से? ओके, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं. सो द लास्ट टॉपिक ओके ऑफ दिस चैप्टर, हमने फैमिली, स्पीसीज, जीनस सब पढ़ लिया. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर लिविंग वर्ल्ड इज टैक्सोनॉमिकल एड्स. चलो एक बार वापस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा. सबसे पहले व्हाट इज़ लिविंग वो पढ़ लिया. देन लिविंग कैरेक्टर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर कौन कौन से है, उसको कैसे स्टडी करना है, डाइवर्सिटी को कैसे स्टडी करना है. तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे. दैट इज़ सिस्टमैटिक, टैक्सोनॉमी,
ओके, सिस्टमेटिक टेक्सोनॉमी, उसके बाद हमने टेक्सोनॉमी का हायरार्की, दैट इज़ के कैसे उसको क्लासीफाई करना है, कौन सी कैटेगरी में हम उसको रख सकते हैं, व्हाट इज़ टेक्सॉन, व्हाट इज़ टेक्सा, व्हाट इज़ स्पीसीज, जीनस, फाइलम, डिवीजन, ऑर्डर, विथ एग्जाम्पल हमने अच्छे से स्टडी कर लिया है. नाउ हमने सबको ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करके रख दिया, क्लासीफाइड कर दिया. अब अगर उसको स्टडी करना हो तो कैसे करेंगे? ओके, जैसे कि टेक्सोनॉमी को स्टडी करना हो तो कैसे करेंगे? अगर तुम लोगों ने कोई नया ऑर्गेनिज्म फाइंड किया, सपोज़ कोई नया बैक्टीरिया ढूंढ लिया, नया वायरस, जो अभी कोरोना है, कोई नया वायरस ढूंढ लिया, वायरस को एक चीज़ और, वायरस इज़ इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. ओके, कनेक्टिंग लिंक क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो अगर कोई इननेट ऑब्जेक्ट, इननेट ऑब्जेक्ट मतलब कोई नॉन लिविंग थिंग पे है तो वो नॉन लिविंग है, अगर जब भी वो ह्यूमन बॉडी में एंटर होगा तभी वो एक्टिव होगा. ओके, वायरस की डिटेल स्टडी हम लोग चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसमें करेंगे. सो ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया उसमें कहीं पे भी हम वायरस को नहीं रख सकते. हाँ, हम लोग बैक्टीरिया को रख सकते हैं. जो बैक्टीरिया है दे हैव फैमिली, दे हैव ऑर्डर. वायरस की फैमिली और वो होता है जिस वायरस की जो पूरी स्टडी होती है उसको बोलते हैं वायरोलॉजी, जो हमें अभी नहीं पढ़ना है. ओके, सो टेक्सोनॉमिकल एड्स हमारा जो लास्ट टॉपिक है ये लिविंग वर्ल्ड का, दैट इज़ टेक्सोनॉमिकल एड. एड्स का मीनिंग होता है हिंदी में अगर हम लोग बोले तो माध्यम. टेक्सोनॉमी है, उसको स्टडी करने के लिए माध्यम क्या है, हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये प्लांट है इसको ये बोलते हैं? हाँ, बुक में जितने दिए हैं वो तो तुम लोग को पता चल जाएगा, लेकिन जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो तुम लोग कहाँ से कलेक्ट कर सकते हो? व्हाट इज़ द एरिया ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ टेक्सोनॉमी? सो उसको बोलेंगे टेक्सोनॉमिकल एड्स. समझ में आया टॉपिक, व्हाट इज़ टेक्सोनॉमिकल एड? तो माध्यम, कौन से माध्यम से हम टेक्सोनॉमी को स्टडी कर सकते हैं उसको बोलेंगे टेक्सोनॉमिकल एड्स. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमिकल एड, दैट इज़ डेड और लिविंग. जैसे कि कोई ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ पे सारे प्लांट्स की लीव्स, रूट, स्टेम उसको कट करके उसको प्रिजर्व करके रखा है, कट किया है, दैट मीन्स वो क्या है, डेड है. सेम थिंग इन केस ऑफ म्यूजियम. म्यूजियम और हर्बेरियम, इट इज़ अ प्लेस वेयर डेड ऑर्गेनिज्म और डेड पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज स्टोर्ड. ओके, हर्बेरियम है, दिस इज़ फॉर प्लांट, एंड म्यूजियम है, सो दैट इज़ फॉर एनिमल. समझ में आ रहा है? टेक्सोनॉमिकल एड्स जहाँ पे डेड पार्ट को रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, फिर हम लोग वहाँ जाके उसको स्टडी कर सकते हैं, दैट इज़ हर्बेरियम फॉर प्लांट एंड म्यूजियम फॉर एनिमल. समझ में आया? उसके बाद लिविंग, लिविंग की बात करें सो लिविंग बॉटनिकल गार्डन. बॉटनिकल गार्डन में सारे प्लांट लिविंग होते हैं. तुम लोगों ने, आई होप कि तुम लोगों ने कोई बॉटनिकल गार्डन विजिट किया हो, तो वहाँ पे सारे प्लांट्स जो है वो लिविंग होते हैं. इन केस ऑफ हर्बेरियम प्लांट्स डेड पार्ट्स जो है उसके वो स्टोर किए जाते हैं. देन जूलॉजिकल पार्क, जू जिसमें हम लोग एनिमल को लाइव देख सकते हैं. ओके, सो बॉटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क आर टेक्सोनॉमिकल एड इन विच वी आर कंजर्वेशन. हम लोग क्या कर रहे हैं, कंजर्वेशन कर रहे हैं एनिमल और प्लांट का. ओके, दे आर लिविंग. हर्बेरियम और म्यूजियम में क्या होता है, डेड, जैसे स्केलेटन है, डायनासोर का स्केलेटन है, या फिर कोई ह्यूमन का स्केलेटन तो हम लोग को ये अपनी जो लेबोरेटरी होती है उसमें भी मिल जाता है. लेकिन ऐसे ऐसे प्लांट जो तुम लोगों ने कभी देखे ही ना हो, पोलर रीजन में है या डेजर्ट में है, तो तुम लोग वहाँ देखने नहीं गए हो, तो वो जो प्लांट है वो तुम लोग को हर्बेरियम में, अगर तुम लोग को उसका स्टडी करना है तो हर्बेरियम या म्यूजियम में जाके तुम लोग उसको स्टडी कर सकते हो. सेम थिंग बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क में ऐसे प्लांट भी ग्रो किए जाते हैं. हम लोग क्या करते हैं कि उसको उसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं जूलॉजिकल पार्क में और बॉटनिकल गार्डन में फॉर ग्रोइंग प्लांट एंड एनिमल. ओके, सो टेक्सोनॉमिकल एड्स डेड मराइन लाइफ भी हम लोग एनिमल में रखेंगे. ओके, तो म्यूजियम जो है वहाँ पे हम लोग डेड मराइन ऑर्गेनिजम्स को भी देख सकते हैं. म्यूजियम के अंदर डेड मराइन ऑर्गेनिज्म को भी रखा जाता है. सिंपली तुम लोग को एक एग्जांपल देती हूँ, जब स्कूल खुलेगी तब हम लोग एक बार लेबोरेटरी विजिट करेंगे. लेबोरेटरी में देर आर स्पेसीमेन. स्पेसीमेन मतलब कि एक कांच का जार होता है, ग्लास जार, उसके अंदर क्लोरोफॉर्म भर के
ऑर्गेनिज्म को स्टिक करके एक पेपर पे या फिर एक बोर्ड पे स्टिक करके वो उसके अंदर डाल देते हैं और वो बन गया तुम लोग का स्पेसिमेन। उसको हम लोग को स्टडी करना है वो कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है, ये तुम लोग का प्रैक्टिकल है। ओके तो वो जो है वो स्पेसिमेन हम लोग क्या करेंगे, फ़िश है, क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल तो नहीं फ़िश है, अगर तुम लोग बड़े म्यूज़ियम में जाओगे तो वहाँ पे तुम लोग को क्रोकोडाइल का स्केलेटन भी मिल सकता है, लेकिन इन आवर लेबोरेटरी देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फ़िश, अर्थवर्म, कॉकरोच, फिर फ्रॉग, वो सब जो है उसका साइंटिफिक नेम, उसके साथ पूरा एक ग्लास जार बनाया होता है और हम लोग उसको स्टडी कर सकते हैं। ओके चलो, सो वन बाय वन हम लोग हर्बेरियम, म्यूजियम उसमें कैसे स्टोरेज करते हैं ये देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विथ हर्बेरियम। चलो हर्बेरियम, सो इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। ओके स्टोर हाउस, सिंपली तुम लोग को सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो कोई प्लांट की मॉर्फोलॉजी है जो यूनिक है, यूनिक है मतलब जो यह सब एरिया में फाउंड नहीं होते हैं। ओके सब एरिया में हम लोग को वो प्लांट नहीं मिल रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली उसका जो मॉर्फोलॉजी है उसको देखने के लिए एक पेपर लेंगे, चार्ट पेपर ले सकते हैं, चार्ट पेपर के ऊपर उसको स्टिक करेंगे, दैट इज़ प्रेस करेंगे। ओके विद द हेल्प ऑफ पिन और ग्लू उसको स्टिक करेंगे, फिर उसको हम लोग कवर कर देंगे या फिर उसके ऊपर कोई केमिकल ऐसे यूज़ करेंगे जैसे फंगल इन्फेक्शन उसके ऊपर ना हो या फिर कोई इन्फेक्शन ना हो और उसका जो मॉर्फोलॉजी है वो एज़ इट इज़ रहे, उसके लिए हम लोग कुछ केमिकल यूज़ कर सकते हैं और फिर उसको उसके ऊपर नाम, उसका जो साइंटिफिक नेम है, डेट ऑफ कलेक्शन, कहाँ से कलेक्ट किया है, उसकी फैमिली क्या है और किसने कलेक्ट किया था, कौन सी डेट को कलेक्ट किया था, ये सब इन्फॉर्मेशन भर कर हम लोग उसको हर्बेरियम दैट इज़ जो स्टोरेज हाउस है वहाँ पर जाके रख देंगे। समझ में आया? तो ये है हर्बेरियम। सिंपली प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरियम, तो कलेक्शन ऑफ सैम्पल ऑफ प्लांट, पहले तो प्लांट का सैंपल कलेक्ट करना है, देन नोट डाउन इन्फॉर्मेशन अबाउट हैबिटेट, हैबिटेट मतलब कहाँ से किया था, सीजन, कौन सी सीजन में वो प्लांट ग्रो होता है, डेट एंड टाइम, कौन से डेट पे और कौन से टाइम पे हमने उसको कलेक्ट किया था। फिर क्या करना है, ड्राइंग ऑफ सैंपल, सैंपल को ड्राई करना है, उसके बाद ड्राइड स्पेसिमेन प्रेस ऑन हर्बेरियम शीट, हर्बेरियम शीट यहाँ पे हम लोग चार्ट पेपर यूज़ कर सकते हैं। ओके फिर नोट डाउन करना है ये सारी चीज़ें, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, कौन सी इंस्टीट्यूट में कौन सी इंस्टीट्यूट हर्बेरियम में, मतलब हर्बेरियम कौन से इंस्टीट्यूट में है वो नोट डाउन करना है, साइंटिफिक नेम क्या है प्लांट का, उसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम जैसे कि लोकल नेम उसका क्या है, साइंटिफिक नेम तो सेम ही होगा लेकिन लोकल नेम अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग होंगे, तो व्हाट इज़ साइंटिफिक नेम, व्हाट इज़ कॉमन नेम, फिर प्लांट की फैमिली क्या है, रीजन ऑफ कलेक्शन कहाँ से कलेक्ट किया था, डेट ऑफ कलेक्शन कौन सी डेट को कलेक्ट किया था और नेम ऑफ कलेक्टर। ओके ये जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें हम लोग को हर्बेरियम में नोट डाउन करके रखनी है। ओके फिर हम लोग को क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकली उसको अरेंज करके स्टोर कर देना है। समझ में आया? सो दिस इज़ द प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरियम। तुम लोग को टेक्स्ट बुक में एक सिंपल लाइन में दिया है, ड्राइड, प्रेस्ड एंड स्टोर, ये तीन वर्ड में ये पूरा डेफिनेशन तुम लोग को समझा दिया है। ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ये क्या क्या उसके ऊपर हर्बेरियम में क्या क्या चीज़ें हम लोग को लिखनी है, नोट डाउन करनी है। तो फर्स्ट थिंग दैट इज़ नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट, कॉमन नेम ऑफ प्लांट, फैमिली ऑफ प्लांट, रीजन ऑफ कलेक्शन, डेट ऑफ कलेक्शन एंड नेम ऑफ कलेक्टर। समझ में आया? ओके चलो, उसके बाद देर आर सम फेमस हर्बेरिया, हर्बेरिया इज़ यूज फॉर प्लूरल। ओके सिंगुलर हम लोग हर्बेरियम यूज़ करेंगे। सो रॉयल बॉटनिकल गार्डन, इट इज़ द लार्जेस्ट, नोट डाउन वाला याद रखना है, यस तुम लोग को नोट डाउन वाला याद रखना है, टेक्स्ट बुक में भी दिया है। चलो रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू लंडन, इट इज़ एक्चुअली इट इज़ अ बॉटनिकल गार्डन लेकिन वहाँ पे हर्बेरियम भी है। इसके लिए जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन में जो हर्बेरियम है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हर्बेरियम है। ओके सो रॉयल बॉटनिकल गार्डन इज़ द लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन एज वेल एज इट हैज़ अ लार्जेस्ट हर्बेरिया। ओके क्यू में है लंदन में। उसके बाद है सेकेंड मद्रास हर्बेरियम जो कोयम्बतूर इंडिया में है। देन नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, दे हैव देयर हर्बेरियम इन लखनऊ इंडिया। ओके तो ये जो एग्जांपल्स है, कुछ एग्जांपल्स फेमस जो है वो उसके नाम तुम लोग को याद रखने पड़ेंगे, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, मद्रास हर्बेरियम एंड द नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कोयम्बतूर एंड लखनऊ।
ओके गुड जय, तुमने विजिट किया है, कौन सा विजिट किया है? लखनऊ वाला। ओके चलो, नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हर्बेरियम? तो सिंपली आइडेंटिफिकेशन। ओके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट, अगर कोई डिफरेंट प्लांट है उसके ऊपर तुम लोग को आइडेंटिफिकेशन फ्यूचर में, अभी तुम लोग 11th 12th स्टैंडर्ड में हो, उसके आगे तुम लोग को भी रिसर्च करना है या फिर कुछ भी, MBBS के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम लोग बायोलॉजी लिया है तो कर सकते हो, तो उसमें तुम लोग को रिसर्च वर्क करना हो तो यू हैव टू विजिट द हर्बेरियम, क्योंकि कोई सारे प्लांट के नाम तुम लोग को पता हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, राइट? लेकिन अगर हर्बेरियम में जाओगे तो यू कैन ईजीली आइडेंटिफाई वट प्लांट यू रिक्वायर्ड, वट इज़ द यूज़ ऑफ दैट प्लांट, वट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ दैट प्लांट। ओके, उसके बाद कंपाइलेशन ऑफ फ्लोरा मोनोग्राफ। फ्लोरा और मोनोग्राफ जो है, इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट। ओके, एक बुक टाइप होता है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट उसकी क्या है, लोकल एरिया कौन सा है, कौन से एरिया में पाया जाता है, वो सब डेटा तुम लोग को कंपाइल करना है, तो भी तुम लोग हर्बेरिया यूज़ कर सकते हो, स्टडी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, एज वेल एज रिसर्च इन प्लांट टैक्सोनॉमी। अगर यू आर रिसर्चिंग इन प्लांट टैक्सोनॉमी तो भी तुम लोग ये सारी चीज़ें हर्बेरिया को यूज़ कर सकते हो। ओके, हर्बेरियम फिनिश हुआ, समझ में आया हर्बेरियम? कैन वी मूव फर्दर? क्लियर व्हाट इज़ हर्बेरियम? ओके, व्हाट वी आर स्टडिंग इज टैक्सोनॉमिकल एड्स। कैसे हम लोग टैक्सोनॉमी को स्टडी कर सकते हैं, उसमें फर्स्ट हमने स्टडी किया हर्बेरियम। हर्बेरियम किसके लिए यूज़ होता है? प्लांट के लिए यूज़ होता है। ओके, मोस्टली इन केस ऑफ प्लांट, ड्राई प्लांट पार्ट और ड्राई प्लांट स्पेसिमेन को हम लोग स्टोर करेंगे, वो जो लाइब्रेरी जो होगी उसको हम लोग बोलेंगे हर्बेरिया। ओके, और हर्बेरियम। नेक्स्ट इज म्यूजियम। चलो, नेक्स्ट इज म्यूजियम। म्यूजियम्स आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स एंड कॉलेज। म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्री सर्वल प्लांट्स एंड द एनिमल फॉर स्टडी एंड रेफरेंसेस। ओके, जो म्यूजियम जो है, सिंपली अगर मैं तुम लोग को बताऊं तो तुम लोग के स्कूल में जो छोटे छोटे प्लांट एनिमल्स के स्पेसिमेन को पूरा एक जैसे क्या बोल सकते हैं उसको, जैसे पूरा एक कैबिनेट बनाया हुआ है, उसको तुम लोग लोअर म्यूजियम बोल सकते हो। ओके, स्मॉल म्यूजियम उसको कंसिडर कर सकते हो। म्यूजियम में क्या होता है कि डेड ऑर्गेनिज्म को, डेड एनिमल्स को, मोस्टली इट इज़ यूजिंग फॉर एनिमल। ओके, तो एनिमल की बॉडी को स्टोर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफॉर्म। समझ में आ रहा है? तो स्पेसिमेन आर प्रिजर्व इन कंटेनर और जार इन प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन। ओके, समटाइम्स प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेन ऑल्सो। ओके, ड्राई स्पेसिमेन भी कर सकते हैं या फिर उसकी बॉडी को पूरा सॉल्यूशन में डाल के प्रिजर्व भी कर सकते हैं। सो इंसेक्ट, जो इंसेक्ट को अगर हम लोग को स्टोर करना है तो कैसे करेंगे? तो इंसेक्ट आर प्रेस्ड इन इंसेक्ट वॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। पिनिंग मतलब उसको पिनअप करना है, पिन करना है, जैसे कि इंसेक्ट कॉकरोच है तो उसको एक शीट पे रख के उसको पिन से वहाँ पे अटैच कर देना है, और वो जो पूरा जो पेपर बनेगा उसको हम लोग सिंपली जो सॉल्यूशन है उसके अंदर डाल के उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके, लार्जर एनिमल लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड और समटाइम्स प्रिजर्व्ड देयर स्केलेटल ऑल्सो। ओके, किसी किसी को हम लोग स्टफ करके रख सकते हैं, और एल्स स्टफ मतलब उसके अंदर कुछ मटेरियल भर के उसका जो पूरा बॉडी है वो एज इट इज़ रख सकते हैं, प्रिजर्वेटिव्स यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज हम लोग उसका स्केलेटन भी यूज़ कर सकते हैं म्यूजियम के अंदर। ओके, म्यूजियम्स के कुछ है फेमस म्यूजियम, जैसे कि अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री न्यूयॉर्क एंड म्यूजियम ऑफ आर्थ्रोपोडा इन पुणे इंडिया। ओके, म्यूजियम, ये जो नोट्स है तुम लोग ये नोट्स को एक बार अच्छे से अपनी बुक में भी लिख देना, कुछ एडिशनल चीज़ें जो मैंने बताई है वो भी तुम लोग लिख देना। मैंने जो तुम लोग को PDF सेंड किया है वो PDF में से तुम लोग को खुद का नोट्स खुद बनाओ तो तुम लोग को वो लास्ट तक काम आएगा। ओके, चलो, सो म्यूजियम समझ में आया। नेक्स्ट इज बॉटनिकल गार्डन। ओके, सो बॉटनिकल गार्डन दे हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस। दे हैव फैसिलिटीज़ लाइक लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, हर्बेरियम एंड म्यूजियम। बॉटनिकल गार्डन में ये सारी चीज़ें हो सकती है। जैसे बॉटनिकल गार्डन है तो उसके अंदर क्या होता है कि एक एरिया वाइज, जैसे कि डेजर्ट
एक आर्टिफिशियल डेजर्ट बनाते हैं, उसके अंदर डेजर्ट में जो प्लांट्स ग्रो हो होते हैं दैट इज सेरोफाइटिक प्लांट, उसको वहाँ पे ग्रो करेंगे, फिर हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स जो है उसको वहाँ पे ग्रो करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स और प्लांट्स उसको नेचुरल एनवायरनमेंट उसका जो है वो आर्टिफिशियली प्रोवाइड करके बॉटनिकल गार्डन में उसको ग्रो करते हैं। बॉटनिकल गार्डन जो है वो एक्चुअली रेफरेंस के लिए होता है कि हम लोग को उसका मॉर्फोलॉजी स्टडी करना है। बॉटनिकल गार्डन में जितने भी प्लांट्स हैं उसके साइंटिफिक नेम वहाँ पर लिखे हुए होते हैं। ये पूरा जो गार्डन है उसमें जो फॉर कलेक्शन ऑफ इंसेक्ट दे आर स्टक लाइव आफ्टर किलिंग, यस लाइव नहीं कर सकते, आफ्टर किलिंग ही कर सकते हैं, लाइव तो हम लोग उसको स्टोर नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए तो उसको म्यूजियम बोलते हैं। डेड मैंने आगे क्लासिफिकेशन किया उसमें लिखा था डेड मतलब हर्बेरियम, और म्यूजियम में डेड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, और बॉटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क में लिविंग। ओके सो बॉटनिकल गार्डन दे ऑल्सो हैव देयर लाइब्रेरी। ओके लाइब्रेरी में जो बुक्स होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के मेडिसिनल यूज़ क्या है, उसके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट क्या है, उसका और यूज़ कौन कौन सा हो सकता है, रिसर्च पर्पसेस क्या है, उसमें से कौन सी ड्रग बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ की बुक लाइब्रेरी में होती है। लेबोरेटरी में उसके ऊपर रिसर्च वर्क चलता है, एज वेल एज हर्बेरियम भी हो सकते हैं और म्यूजियम भी हो सकते हैं। देयर आर सो मैनी फेमस बॉटनिकल गार्डन, उसमें से सबसे फेमस है रॉयल बॉटनिकल गार्डन इन क्यू लंदन, न्यूयॉर्क बॉटनिकल गार्डन न्यूयॉर्क, लियोट बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग इन एंड नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। ओके सो दिस आर द बॉटनिकल गार्डन। नाउ बॉटनिकल गार्डन ख़त्म हुआ, म्यूजियम ख़त्म हुआ, लास्ट दैट इज़ जूलॉजिकल पार्क। ओके सो जूलॉजिकल पार्क आर अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर केप्ट। तुम लोगों ने बहुत सारे जूस विजिट किए होंगे, वहाँ पे क्या होता है कि एनिमल को लाइव उनका नेचुरल हैबिटेट उनको वहाँ प्रोवाइड करके लाइव रखा जाता है। इट प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट टू द एनिमल एंड इन इंडिया देर आर 200 जूलॉजिकल पार्क मैनेज बाय द सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये याद रखना है, zoos in India are managed by Central Zoo Authority of India. Okay, example diye hai National Zoological Park Delhi, Madras Crocodile Bank Chennai jahan pe sirf crocodile hai, then Nehru Zoological Park Hyderabad. Samajh mein aaya? सो दिस आर द मेन टेक्सोनॉमिकल एड। कौन कौन से थे, हमने पहले कौन सा डिस्कस किया, हर्बेरियम, उसके बाद म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क एंड बॉटनिकल गार्डन। ओके नेक्स्ट देर आर अदर टेक्सोनॉमिकल एड्स, उसमें है की, फ्लोरा, मोनोग्राफ एंड मेन्यू। ओके कीज जो है दे आर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी। सिंपली अगर तुम लोग को एक्सप्लेन करो, हाँ क्रिश आपको आज ग्रुप में ऐड कर देंगे हम लोग, चलो ध्यान दो पहले। कीज, वॉट इज़ कीज, तो कीज आर इट इज़ अ काइंड ऑफ बुक जिसमें बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं। ओके ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड। ओके ईच स्टेटमेंट ऑफ द की इज कॉल्ड अ लीड। ये जो लीड है उसमें टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को साथ में कंपेयर करना होता है। जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है दे आर नोन एज कपलेट। ओके कीज जनरली यूज अ पेयर ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर कॉल्ड अ कपलेट। वॉट इज की, तो इट इज़ अ बुक। अगर तुम लोग के पास कोई एनिमल है जिसके कैरेक्टर्स तुम लोग को पता नहीं है, इसका क्लासिफिकेशन तुम लोग को पता नहीं है, तो वॉट यू हैव टू डू, सिंपली यू हैव टू कंपेयर द स्टेटमेंट ऑफ कीज, कंपेयर विद द स्टेटमेंट ऑफ की, उसके जो कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर्स है उसके साथ उसको कंपेयर करना है, फिर उसको आइडेंटिफाई करना है। ओके तो कीज आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज एंड दे हैव जनरली यूज पेयर कैरेक्टर जिसको हम लोग बोलेंगे कपलेट, और ईच स्टेटमेंट ऑफ द की इज कॉल्ड अ लीड। ओके उसके बाद है फ्लोरा, फ्लोरा गाइड बुक एनसीईआरटी, और जो मैंने तुम लोग को अभी एक्चुअली चालू नहीं हुआ है स्कूल, तो हम लोग ने तुम लोग को मटेरियल नहीं दिया है, लक्ष्य का जो मटेरियल है वो तुम लोग को अच्छा रहेगा पढ़ने के लिए, एनसीईआरटी पढ़ो और लक्ष्य का जो मटेरियल है वो पढ़ो, तो तुम लोग का नीट लेवल और बुक लेवल दोनों आ जाएगा।
ओके लेट्स कंप्लीट दिस. फ्लोरा, व्हाट इज़ फ्लोरा? तो इट इज़ अ काइंड ऑफ बुक जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के रिसोर्सेस क्या है वो सब प्रोवाइड किया होता है. फ्लोरा आर द इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज दैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन द टैक्सोनॉमी, नॉमेनक्लेचर, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट. उसके अंदर सारे प्लांट्स का कहाँ से मिलेंगे, प्लांट्स का लोकेशन क्या है, उसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमी क्या है, ये सारा डिस्क्रिप्शन उसके अंदर होता है. ओके तो फ्लोरा आर द इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, इट इज़ अ सोर्स दैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन द टैक्सोनॉमी, नॉमेनक्लेचर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट. ओके इट इज़ ऑल्सो अ डिस्क्रिप्टिव, क्या बोल सकते हैं उसको, बुक जिसके अंदर गिव कॉम्प्रेहेंसिव कंटेंट, सॉरी गिव कॉम्प्रेहेंसिव अकाउंट ऑफ कंप्लीट कंपाइलेशन ऑफ अवेलेबल इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी फैमिली और जीनस. मोनोग्राफ जो है उसके अंदर क्या होता है कि सारा क्लासिफिकेशन पूरा नहीं दिया होता है, या तो सिर्फ जीनस का क्लासिफिकेशन दिया होता है, इसीलिए उसको मोनोग्राफ बोलते हैं. ओके कंपाइलेशन ऑफ डेटा और कंपाइलेशन ऑफ डेटा ऑफ फैमिली और जीनस, ओके उसका सारा इन्फॉर्मेशन उसके अंदर अवेलेबल होता है. मोनोग्राफ कोई एक प्लांट के लिए भी हो सकता है, कोई एक स्पीसीज के लिए भी हो सकता है, कोई एक जीनस के लिए भी होता है. कंपैरेटिवली अगर फ्लोरा के कंपेयर में देखो तो मोनोग्राफ्स आर वेरी, उसका जो क्या बोल सकते हैं कंटेंट है वो फ्लोरा के कंपेरिजन में कम होगा. ओके लास्टली मैन्यूअल्स, मैन्यूअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन डिफरेंट एरिया. मैन्यूअल्स मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ मैगजीन. ओके साइंटिफिक मैगजीन जिसके अंदर तुम लोग को डिफरेंट डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट डिफरेंट लोकल एरिया, जैसे गुजरात एरिया है तो गुजरात में कौन से प्लांट्स फाउंड होते हैं, ये सब चीज़ें तुम लोग को मैन्यूअल में मिल जाएगी. ओके सो दिस आर द टेक्सोनॉमिकल एड्स. कौन से है? म्यूजियम, हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, कीज, फ्लोरा, मोनोग्राफ एंड मैन्यूअल्स. ओके समझ में आया? सो एक चीज़ और, तुम लोग को टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया हुआ है. ओके दैट इज़ उस टेबल, वो टेबल दैट इज़ 1.1 टेबल को तुम लोग को याद करना है. ये देखो ये टेबल है, बुक का वाला सेम है, जैसे उसके अंदर ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन है, तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस, उसका स्पीसीज है सेपियंस, जीनस होमो, फैमिली होमिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा एंड किंगडम एनिमेलिया. सेम वे हाउस फ्लाई है, तो हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम है मॉस्का डोमेस्टिका, डोमेस्टिक मतलब हाउस फ्लाई. ओके मॉस्का डोमेस्टिका दिस स्पीसीज इज डोमेस्टिका, जीनस मस्का, फैमिली मस्कीडी. देन क्या फ्लोरा और मोनोग्राफ मैनुअल ये सब बुक में है? नहीं, ये सब बुक में नहीं है, तुम लोग को सिर्फ एक वर्ड में दिया है कि अदर टेक्सोनॉमिकल एड्स आर कीज, मोनोग्राफ, मैनुअल, ऐसे करके दिया हुआ है. पूरा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, ये जो वन सेंटेंस में मैंने तुम लोग को समझाया है वो तुम लोग के कॉन्सेप्ट के लिए है. ओके चलो ये कंटिन्यू करते हैं. हाउस फ्लाई, ये पूरा जो टेबल है वो तुम लोग को टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, सो टेक्स्ट बुक में से तुम लोग को वो टेबल एक बार बुक में लिख लेना है. ओके सो दिस वे, जस्ट अ मिनट, ऐसे ये है क्लासिफिकेशन. एक मैंने एग्जांपल लिया है एनिमल का दैट इज़ ह्यूमन, और एक एग्जांपल लिया है मैंने मैंगो का. ओके सो साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस, स्पीसीज सेपियंस, जीनस होमो, फैमिली होमिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा एंड फाइनली किंगडम एनिमेलिया. यहाँ पे किंगडम प्लांटे, एंजियोस्पर्मा, एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट, मैंगो में फ्लावर्स होते हैं. देन डाइकोटिलेडनी, डाइकोटिलेडनी मतलब डाइकोट, मैंगो का जो सीड है वो डाइकोट है. ओके मैम इन सब की पिक भेज देना प्लीज़. ओके आज तुम लोग को मिल जाएंगे उसके पिक, अभी मिल जाएंगे मतलब क्लास ख़त्म होने के बाद. देन सेपिनेडल्स दैट इज़ ऑर्डर, देन एनाकार्डियासी दैट इज़ फैमिली, इंडिका, मोंजीपेरा इंडिका, मोंजीपेरा दैट इज़ अ जीनस एंड इंडिका इज़ अ स्पीसीज. तो ये पूरा जो क्लासिफिकेशन है, हाँ यस, टू कॉटिलेडेंस मतलब डाइकोटिलेडन, तो ये पूरा क्लासिफिकेशन है वो तुम लोग को टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. देर आर, आई थिंक देर आर 5 एग्जाम्पल्स. हाउस फ्लाई है, फिर इंसेक्ट में से हाउस फ्लाई लिया है, मैंगो, वीट का लिया हुआ है, डॉग का लिया हुआ है और ह्यूमन का लिया हुआ है.
ओके तो ऐसे पूरा एक चार्ट बना के बुक में रख लो, उसको तुम लोग को याद करना है। वन थिंग, हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया, वी हैव कंप्लीटेड अवर फर्स्ट चैप्टर। ओके, पहले हमने लिविंग वर्ल्ड क्या है वो सब स्टडी किया, टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक क्या है वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में स्टडी कर ली है। ये जो मेरी नोट्स है उसके आज तुम लोग को पिक भी मिल जाएंगे, सो यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स। अगर कोई भी डाउट हो तो तुम लोग मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट थिंग कि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस तुम लोग को सॉल्व करने हैं। ओके, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है पीछे की वो तुम लोग को सॉल्व करने हैं और बुक में एक बार लिखना है। वेन एवर स्कूल स्टार्ट मैं आई विल चेक। ओके, मैं तुम लोग के जो जितना भी डिस्क्रिप्शन मैंने लिखाया है वो भी चेक करूँगी, एज वेल एज जो एक्सरसाइज है वो तुम लोग का होमवर्क है, ये सोच के तुम लोग को वो कम्प्लीट करना है और एक बार पूरा चैप्टर एनसीईआरटी में से रीड करना है। अगर कोई भी सिंगल वर्ड का भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन ग्रुप एज वेल एज यू कैन कॉल मी। ओके, तो आज कम्प्लीट करते हैं। ओके, लिविंग वर्ल्ड ओवर हुआ। नाउ नेक्स्ट टाइम हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग सेल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सेल तुम लोगों ने बुक कैसे बनानी है तो सिंपली तुम लोग को पहले ये जितना भी डिस्क्रिप्शन तुम लोग को लिखाया है वो तुम लोग लिख सकते हो, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लिखने हैं। ओके नील, आपने जो नोट्स दी है वो भी वही रीड करे तो चलेगा? हाँ चलेगा, मैंने जो नोट्स दी है तुम लोग वही रीड करोगे तो भी चलेगा, और एनसीईआरटी तो एक बार तुम लोग को पढ़नी ही है। ओके, इट इज़ अ बाइबल, ये याद रखो लो कि दो साल के लिए 11th 12th की जो एनसीईआरटी बुक है वही तुम लोग की बाइबल है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट तो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन तुम्हें समझ में आनी चाहिए, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट भी तुम लोग को याद रखने चाहिए। तो बुक बना लो, अभी आप लोग अगर पेज में लिख रहे हो तो एक बुक बना लो और वो बुक में फिर पहले पूरा डिस्क्रिप्शन और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन। बुक मिल नहीं रही है? अच्छा, ओके ठीक है, बुक नहीं मिल रही है तो पेज में चलेगा, या फिर तुम लोग की कोई पुरानी बुक हो उसकी पेज निकाल के पूरा एक वो बना लो, जैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं ना वैसे पूरा एक प्रोजेक्ट जैसा बना लो, कुछ कहीं पे भी लिखो लेकिन ऐसा लिखो जब तुम लोग को दिखाना हो क्लास में तो दिखा सको। और दूसरी चीज़ कि ये तुम लोग को संभाल के रखना है। ओके, ये चीज़ मिले तो कैसे बनानी है, अगर बुक मिले तो सिंपली तुम लोग को एक बार जो डिस्क्रिप्शन है मैंने स्टार्टिंग से जैसे दिया हुआ है, कल मैंने फ़ोटो भी सेंड किए थे, एक बार वापस दिखा देती हूँ तुम लोग को। जैसे ये है, ऐसे ऐसे नोट्स प्रिपेयर कर लो। ओके, क्योंकि ये फ़ोटोज़ जो मैंने भेजे हैं तुम लोग को, तुम लोग वो फ़ोटोज़ दो साल तक संभाल के नहीं रख सकते, ठीक है? तो उसको इससे अच्छा है कि उसको बुक में लिख दो, ये सब चीज़ें हैं खुद ओन वर्ड्स में लिख दो, जब भी तुम लोग पढ़ो तो तुम लोग को समझ में आना चाहिए, ऐसे ओन वर्ड्स में तुम लोग इसको बना के रख दो ऐसे पूरा। ओके चलो, सो आज सेशन यही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल। ओके, ये है, आज हमने कंप्लीट किया है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड द फर्स्ट यूनिट, उसमें से फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट टाइम हम लोग कंप्लीट करेंगे स्टार्ट करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। टू हंड्रेड पेज की आप बना सकते हो, इंटरलीफ या सिंगल लाइन, हाँ 200 पेज की जो नोटबुक हम लोग स्कूल में जैसे बनाते हैं वैसे ही बनानी है, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि इतने ही पेज की बनानी है या फिर यही लाइन वाली लानी है, तुम लोग को जैसे बनानी है वैसे बनाओ लेकिन उसमें नोट्स प्रॉपर होने चाहिए, जब भी तुम लोग पढ़ो तब तुम लोग को समझ में आए वैसी होनी चाहिए। ओके चलो, बाय, विल मीट टुमारो 12 AM। ओके।